सो हाय गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेक कम में। तो गाइस, आज रेडमी नोट 8 की अनबॉक्सिंग मैं करने वाला हूँ। और मैंने वो तो गाइस 13,260 का मेरे को कुछ परचेस मैंने किया था। और गाइस, उसमें मैं आपको क्या इंटरनल है और क्या कितना GB रैम वाला है और मैं इसका अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखो। तो गाइस, ये मैं फ्लिपकार्ट से मैंने परचेस किया था और गाइस उसका मैं फुल रिव्यू करूँगा। और आप देख सकते हो इधर उसका सब लिखा है और इसका सब अनबॉक्सिंग अभी मैं करूँगा। और तो गाइस, आप अभी तक हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को दबा दूँ, मैं ऐसे वीडियो लेटेस्ट लाता रहता हूँ। तो गाइस, मैं बहुत सारे अपडेट के बारे में भी वीडियो बनाता हूँ, जैसे कि रियलमी MI और रेडमी। और तो गाइस, वो सबका मैं अपडेट के बारे में भी बताता हूँ। तो गाइस चलो, मैं अभी अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, ये है मेरा रेडमी नोट 8। और गाइस, इसका मैंने पहले से ही खोल के रखा हूँ क्योंकि डिलीवरी आते समय चेक करना पड़ता है मोबाइल को, और गाइस कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए मैंने पहले से खोल दिया है। और गाइस, इसका ये बॉक्स है और इसका ये बिल भी है। देखो, इसमें बिल में आप पढ़ सकते हो कितना है, 13,258 रुपीज़ है। तो गाइस, ये है रेडमी नोट 8 का बॉक्स। और गाइस, इसमें बहुत सारा सब फीचर लिखा है, जैसे कि 48 मेगापिक्सल कैमरा है उसका और अल्ट्रा वाइड एंड माइक्रो लेंस है उसका। तो गाइस, 18 वोल्ट फास्ट चार्जिंग है और 4000 mAh की बैटरी है। और गाइस, तो गाइस अभी चलो अभी इसको खोल के देखते हैं क्या है उसमें। और गाइस, ये खोलेगा तो उसमें अभी ये है कुछ उसका केस और ये है कुछ उसका गाइड। तो गाइड को अभी साइड में रख देते हैं और गाइस उसका केस देखता है। तो केस तो जैसे कि सब ब्रांड में आता है ऐसा ही तो केस है, उसमें कुछ अलग सा नहीं है, जैसे कि जो सब ब्रांड में मिलता है वही क्वालिटी का है, और लेकिन अच्छा है उसका। और गाइस, ये सब साइड में रख देता है। और ये है कुछ उसकी पिन सिम ट्रे निकालने के लिए, तो वो भी उसने साथ में दिया है। और ये रहा अपना हैंडसेट। और गाइस, उसको मैं खोल के दिखाता हूँ आपको कैसा उसका लुक है। तो गाइस, उसका मैंने पहले से सब निकाल के रख दिया है, इसलिए साइड में रख देता हूँ। तो गाइस, ये ऊपर का ग्लास है, मैंने ऑफलाइन परचेस किया था। और गाइस, मैं गाइस उसका सबसे पहले मैं बात करूँ तो उसको रेडमी लोगो ऊपर दिया है, उसमें रेडमी नाम लिखा है। और फ्रंट पे अभी आने लगा है, पहले नहीं आता था और स्टार्ट में आ रहा था। और गाइस, उसका गोरिल्ला 5 ग्लास है और गाइस पीछे का भी गोरिल्ला 5 है। और अपन सिम तो अपन 2 सिम के साथ साथ उसके साथ मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। तो गाइस, उसका राइट साइड में दोनों पावर बटन और वॉल्यूम बटन दिया है। और गाइस, उसका 4 कैमरा है, 4 कैमरा एक के साथ। और गाइस, उसका फ्लैश लाइट भी साइड में दिया है उसका, और फिंगरप्रिंट भी बैक साइड में दिया है। तो गाइस, ये वाला सेंसर भी दिया है, तो बहुत अच्छी बात है। गाइस, रेडमी मोबाइल में ज़्यादा करके सेंसर दिया जाता है, जैसे कि अपना टीवी का रिमोट खराब हो गया, कुछ भी काम ला AC टीवी और DVD का रिमोट बना सकते हैं अपन। तो गाइस, ये वाला जो है वो नॉइस कैंसिलिंग माइक है उसका। और उस तो गाइस, अभी उसका बॉटम साइड का बात करूँ तो गाइस, बॉटम साइड एयरफोन लगाने की जैक है। और गाइस, उसका भी माइक के लिए है। और उसका तो उसका टाइप सी चार्जर भी दिया, तो बहुत अच्छी बात है। अभी लेटेस्ट चार्जिंग का सपोर्ट उसने दिया है, टाइप सी का चार्जर है लगाने वाला। और गाइस, उसका स्पीकर का बात करूँ तो इसका स्पीकर भी मस्त डिज़ाइन करके दिया है। और इसका लुक की बात करूँ तो गाइस, अभी तो गाइस ये लेटेस्ट मोबाइल अभी इतने सस्ते प्राइस में मिला तो बहुत अच्छी बात है। और गाइस, उसका लुक भी बहुत बढ़िया। तो गाइस, उसका डिस्प्ले का तो कुछ मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन क्या डिस्प्ले है, उस डिस्प्ले अच्छा है, HD जैसा डिस्प्ले है। और गाइस, अभी उसका फंक्शन की बात करूँ तो दोस्तों, उसका अपडेट क्या है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ अबाउट फोन में जाकर। गाइस, उसमें 11 वाला अपडेट आता नहीं है, 10 का ही आता है, तो उसमें अपन को अपडेट करना पड़ता है। तो गाइस, अभी मैंने परचेस किया था तो कल ही मैंने अपडेट कर डाला उसको। तो गाइस, उसका इंटरनल की बात करूँ तो 128 है। गाइस, उसका रैम की बात करूँ तो 6 GB उसका रैम है। उसका एंड्रॉयड वर्जन की बात करूँ तो एंड्रॉयड P वर्जन है उसका। तो गाइस, आपको मैं वो भी आपको बता दे रहा हूँ, अभी देख के उसमें इसमें क्लिक करके देखता हूँ तो एंड्रॉयड P उसमें वर्जन है। और भी बात करूँ तो बहुत बढ़िया उसमें फीचर दिया है, जैसे कि ऐसे 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 2 बार राइट साइड से लेफ्ट साइड ऐसे घुमा रहा है तो अपन का बैग लग जाता है। और गाइस, अपन और इधर से ऐसा करेगा तो होम पेज पे आ जाएगा, इधर से ऐसा अपन करेगा तो इस इधर से ऊपर लेके जाएगा, और दबा के रखेगा तो अब उनका जो रिसेंट में जो एप्लीकेशन वर्क है वो खुलेगा। तो गाइस, अभी मैं उसका चार्जर की बात करूँ तो 18 वोल्ट फास्ट चार्जिंग है और 3 एम्पीयर का भी ये चार्जिंग हो और टाइप सी चार्जिंग है। इसमें कम से कम आधा घंटे में फुल चार्जर हो सकता है अपन का मोबाइल। और गाइस, अभी मैं उसका
डेटा केबल की बात करूँ तो गाइस उसमें टाइप सी डेटा केबल है, देखो आप देख सकते हो, मैं अभी खोल के दिखाता हूँ। तो गाइस अभी देख लो, ये है डेटा उसका टाइप सी। तो थैंक यू गाइस, मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी वीडियो पे कमेंट करो। थैंक यू, जय हिंद।